सोने की जादुई गर्भवती गाय। जादूगरनी सुंदरी जंगल से दूर एक बस्ती में रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था जो बड़ा जिद्दी था, जो बड़ी जिद करता था, जो चीज की जिद करता था। जादूगरनी उसे अपने जादू से बना कर देती थी। जादूगरनी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, सबकी मदद किया करती थी। एक दिन जादूगरनी का बेटा अपनी माँ से बोलता है, मामा मुझे धनुष बाण चाहिए। अरे बेटा तुम उसका क्या करोगे? माँ मैं उससे निशाना लगाना सीखूंगा। ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम फालतू में अपना दिमाग लगाना सीख रहे हो। बच्चा रोने लगता है। बच्चे को रोता देख जादूगरनी को दया आ जाती है। फिर वो अपने जादू से एक धनुष प्रकट करती है। इस धनुष बाण को किसी भी जीव पर नहीं चलाना और ना ही किसी बेजुबान पर हमला करना। ठीक है माँ, मैं बस निशाना लगाना ही सीखूंगा। फिर जादूगरनी वहां से चली जाती है। बच्चा धनुष ले बाण लेकर निकल जाता है। बच्चा एक बाग पर चला जाता है, वहाँ निशाना लगाना सीखने लगता है। उस बच्चे को उस खेल में बहुत मजा आ रहा होता है। तभी उसको अपनी माँ की बात याद आती है। माँ ने बोला था इसे किसी जीव पर मत चलाना। तभी वह बच्चा देखता है उसके सामने एक गाय चर रही होती है। फिर बच्चा अपने धनुष बाण की ताकत को जानने के लिए उस गाय पर बाण चला देता है। गाय वहीं मर जाती है। गाय को मरा हुआ देखकर उसका मालिक बहुत रोता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरी गाय को मार दिया। मैं तो बहुत गरीब हूँ, इस गाय के दूध से ही मेरा परिवार चलता था। तभी वह बच्चा उसके पास आता है और कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तो खेल रहा था। ये बाण तुम्हारी गाय को लग गई और ये मर गई। लेकिन तुमने ये क्यों किया? इसके अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं था। इसका दूध बेचकर मैं अपना घर चलाता था। ये सुनकर बच्चा बोलता है, मैं आपको अपनी माँ से मिलवा दूंगा। फिर बच्चा अपनी माँ के पास उसको ले जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ 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 मैंने इनकी गाय पर गलती से बाण चला दी और वह मर गई। माँ आप इनको दूसरी गाय दे दो। नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। लोगों को उसका दूध बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है दूसरी गाय का दूध उनको पसंद ना आए। और मेरी गाय गर्भवती थी, मुझे वही गाय चाहिए। ये सब सुनकर जादूगरनी बोलती है, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसके बदले तुम्हें एक गाय दे सकती हूँ। नहीं, मुझे वही गाय चाहिए, मुझे अपनी गाय चाहिए। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सोने की गाय देती हूँ। ये सुनकर मालिक खुश हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं गाय को ले लेता हूँ। जादूगरनी एक सोने की गाय को प्रकट करती है, लेकिन वह गाय घास ही खाती थी जैसे दूसरी गाय घास खाती थी। ये देखकर मालिक खुश हो जाता है और घर लेकर उस गाय को चला जाता है। दूर दूर से सभी पक्षी गाय को देखने आते हैं और सब देखकर चले जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। इसने गाय पर सोने का रंग कराया है। नहीं, भाई ये सच में सोने की गाय है। कैसी सोने की गाय जो घास खाती है, हमको ये पागल बना रहा है। फिर शाम को मालिक दूध निकालता है। गाय से दूध निकलता देखकर सभी वापस चले जाते हैं
और आपस में कहते हैं, ये कोई सोने की गाय नहीं है, ये सोने की गाय होती तो सफेद रंग का दूध नहीं होता। तभी मालिक अपना दूध लेकर घर के अंदर रखकर चला जाता है कुछ काम से बाहर। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आता है तो वह सारा दूध सोने का हो जाता है। अरे वाह, मेरी गाय सोने का दूध देती है, इस गाय की अच्छे से मुझे देखभाल करनी होगी। फिर गाय गोबर करती है, लोग उसे देखकर कहते हैं, अरे ये तो दूसरी गाय की तरह गोबर भी करती है, ये तो सबको पागल बना रहा है। ऐसा कहकर लोग चले जाते हैं। मालिक गोबर उठाकर घर में रख देता है। फिर गोबर भी सोने का हो जाता है, यह देखकर मालिक खुश हो जाता है। अरे मजा ही आ गया, मेरी गाय सोने का दूध देती है और तो और सोने का गोबर भी करती है। फिर मालिक बहुत अमीर हो जाता है, वह किसी को कुछ भी नहीं बताता है। फिर गाय गर्भवती हो जाती है और उसका बच्चा भी सोने का ही होता है। ये देखकर लोग सोचते हैं, ये आदमी तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसने जरा से बच्चे को भी सोने का रंग चढ़वा दिया, ना जाने क्या चाहता है। लेकिन कुछ भी हो, जब से यह सुनहरी गाय लाया है ना ये, तब से बहुत अमीर हो जा रहा है। कुछ तो माजरा है जो यह छुपा रहा है हम सबसे। एक रात लोग उसकी गाय को चुरा ले जाते हैं और उसके सामने चारा डालते हैं, जिससे वह गाय उसको खा लेती है और गोबर करती है। तभी वहाँ मालिक आ जाता है। अरे तुम लोगों ने मेरी गाय क्यों चुराई, मेरी गाय वापस करो। हम नहीं देंगे तुम्हारी गाय, जो करना है कर लो। मालिक हाथापाई करने लगता है, जिसका शोर सुनकर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी मालिक की गाय को वापस दिला देते हैं। मालिक अपनी गाय को लेकर वापस चला जाता है। लेकिन वह गाय जो गोबर की थी, वह सोने का हो जाता है। यह देखकर सब लोग समझ जाते हैं, यह गाय गोबर जो करती है, जो कुछ समय बाद सोने का बन जाता है, जिसके चलते वह मालिक इतना अमीर हो गया है। लेकिन कुछ और लोग उस गाय को चुराने आते हैं और चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन उसका बछड़ा वहीं रह जाता है और वह बछड़ा खूब रोता है। बछड़े के आंखों से निकलने वाले आंसू मोती बन जाते हैं और फिर सोने के बन जाते हैं। यह देखकर मालिक खुश हो जाता है और दुखी भी होता है। ये बछड़ा अपनी माँ को रो रहा है, बेचारा बहुत दुखी है। फिर मालिक उसकी माँ को तलाशने निकलता है, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। फिर बछड़ा खुद खुल जाता है और वह चलने लगता है। मालिक उसके पीछे जाता है, बछड़ा वहीं जाता है जहाँ उसकी माँ होती है और मालिक भी वहीं पहुँच जाता है। फिर मालिक उन दोनों को लेकर जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी, मैं गाय और बछड़े को पाल तो लूंगा, लेकिन लोग उसे रोज चुराने आते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ ये गाय और बछड़ा आप रख लीजिए, मैं दूसरी गाय खरीद लूंगा, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मैं एक माँ को उससे उसके बच्चे से अलग होता नहीं देख सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे लगा कि तुम लालची हो और इसे कभी वापस नहीं करोगे, बोला आपने। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि धन ही सब कुछ नहीं होता है। जब गाय का बछड़ा गाय से अलग हुआ और वह रोने लगा तो मेरे हृदय में प्यार जाग उठा। लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि किसी को किसी से दूर नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी समय धन की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें और भी धन दे दूंगी। मुझे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई बहुत पसंद आई है। वह मालिक बहुत अमीर हो जाता है और उसे अब धन की
जरूरत ही नहीं पड़ती है। वह और दो गाय खरीद लेता है और लोग उससे पूछते रहते हैं। अरे वो टुन्नू, तुम्हारी सोने की गाय कहाँ चली गई? अरे वो सोने की गाय जहाँ से आई थी वही चली गई। वह अपने बछड़े के साथ बहुत खुश है और मैं यहाँ अपने परिवार के साथ खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।